क्या हुआ? क्या होना है, जो कुछ भी हो रहा है वो क्या कम है जो और कुछ नया होगा? जो कुछ भी होता है भले के लिए ही होता है। भले के लिए? सनत भैया ने नींद की गोलियां खा ली, वो क्या भले के लिए खा ली? घर में सभी परेशान हैं और सनत भैया अस्पताल में पड़े हैं, वो अलग। सनत भैया सही सलामत है, ये बात अच्छी नहीं है क्या? परेशानी तो आज है, कल नहीं होगी। जान है तो जहान है, समझे? रश्मि, सनत भैया को कभी यूं बिस्तर पकड़ते देखा नहीं, हमेशा शर्ट पैंट और टाई में बाबूजी के साथ कदम मिलाते हुए एक्टिव ही देखा है। आज पहली बार उनका चेहरा थका थका सा लग रहा है। इतनी सारी झुर्रियां एक साथ उनके चेहरे पे कैसे आ गई? नहीं रश्मि, मैं अपने बड़े भैया को ऐसे नहीं देख सकता, नहीं। इतना मत सोचो, कुछ ही दिनों में वो एक्टिव हो जाएंगे और हम उन्हें हाथ में फाइल लेकर घर से निकलते हुए देखेंगे और पन्ना भाभी भी मुस्कुराती हुई दरवाजे पर खड़ी होगी। भगवान करे ऐसे दिन बहुत जल्दी वापस आ जाए। पारू भाभी बड़ी भाभी को छेड़े, तुम दादी माँ से थोड़ा लड़ लो, ये सब अचानक बंद हो गया तो कुछ अधूरा सा लगने लगा है। कोई चूचा नहीं, कोई चहल पहल नहीं, घर में जैसे सन्नाटा छा गया है। नहीं रश्मि, मुझे तो अब इस घर में अच्छे दिन आने की कोई संभावना नहीं दिखाई दे रही। ऐसा अशुभ मत बोलो, तुम्हें तो उनका हौसला बढ़ाना है। उनमें जैसे जीने से नफरत सी हो गई है, उस नफरत को हटाना है, उनमें जीने की आशा बढ़ानी है। तुम्हें हमेशा उनके साथ रहना चाहिए। मैं तो हमेशा से उनके साथ ही रहा हूँ, इसीलिए तो मुझे सबसे ज्यादा ये ताज्जुब हो रहा है कि सनत भैया जैसे आदमी ने ऐसा कदम कैसे उठा लिया। ऑफ ऑल द पीपल सनत। परेशानी से घिरा आदमी सही गलत कभी नहीं सोचता, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि उसकी सजा वो जिंदगी भर भुगते। क्या मतलब? कुछ ही दिनों में वो ठीक तो हो जाएंगे, लेकिन मानसिक रूप से इस हादसे से बाहर नहीं निकल पाएंगे। ये माहौल उन्हें बाहर निकलने नहीं देगा, उन्हें इस डिप्रेशन से बाहर निकालना ही पड़ेगा। रश्मि, ये घर हमेशा सपनों से खुशियों से हरा भरा रहा है, तो फिर ये मायूसी कब घर कर गई? आज इस घर की दीवारें थकी थकी सी नजर आती हैं, जिसे फरियाद कर रही है, कहां गए वो हमारे सुनहरे सपने के दिन? या फिर हमने सपने ही कच्चे बुने थे? सपने कभी कच्चे नहीं होते, शायद उसके रंग फीके पड़ गए हैं। तो क्या, उन सपनों में रंग भर दीजिए, फिर देखो वो कैसे खिल उठते हैं। रश्मि, एक बात कहूं, तुम बहुत समझदार हो, मैं तुम जैसी पत्नी को पाकर बहुत खुश हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है, देखो तुम ऑफिस पहुंच जाओ, लंच टाइम ओवर हो गया है, बाबूजी इंतजार कर रहे होंगे। सच पूछो तो इस वक्त मुझे बाबूजी की बहुत फिक्र है। शिखर, तुम बाबूजी को समझाओ ना कि सनत भैया को एक और मौका दे, उनको बाबूजी के सहारे की जरूरत है, नहीं तो वो टूट जाएंगे। फिलहाल तो बाबूजी उन पर बहुत खफा है। बाबूजी को एक मौका देना ही पड़ेगा, सिर्फ उनकी एक मुस्कुराहट सनत भैया के दिल का बोझ हल्का कर देगी, और उसके लिए तुम्हें ही बाबूजी को समझाना होगा। रश्मि, मेरी तरफ से मैं पूरी कोशिश करूंगा, इनफैक्ट मैं भी यही चाहता हूं कि सब ठीक हो जाए, लेकिन ये हॉस्पिटल प्रोजेक्ट के झमेले में एक और मुश्किल भी है। वो क्या? अभय। अभय को इस प्रोजेक्ट से क्या लेना देना? देखो रश्मि, अस्पताल का गिरना एक बहुत बड़ा इश्यू हो गया है, और क्योंकि नानावटी ग्रुप इसमें इन्वॉल्व है तो बवाल तो होगा ही। लेकिन अभय उसमें कहां से आया? वो इस इश्यू को लेकर अपने आदर्शों के अनुसार जंग छेड़ देगा, उसे तो एक और बहाना मिल गया बाबूजी को तंग करने का। उसमें बाबूजी का क्या दोष? उनका दोष यह है कि वो एक आदर्शवादी लड़के के पिता है, अभय उन्हें चैन से बैठने नहीं देगा। बाबूजी का इसमें कोई दोष नहीं है, लेकिन यह हॉस्पिटल प्रोजेक्ट वाला किस्सा इतनी आसानी से हल नहीं होगा। न जाने क्यों रश्मि, मुझे इस बात को लेकर बहुत डर लगने लगा है। अरे अब रोना बंद करो और मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम्हें बंबई आने की कोई जरूरत नहीं है, सनत अब खतरे से बाहर है। मैं कैसे यकीन कर लूं?
कैसे? ओफो, मैं कह तो रहा हूँ सनत इंटेंसिव केयर यूनिट में है, उसकी तबीयत में काफी सुधार आया है। कल शादी है, तुम वहाँ शादी अटेंड करो और उसके बाद मुंबई आओ। नहीं नहीं, मैं यहाँ नहीं रहूंगी। मेरा बेटा वहाँ अस्पताल में पड़ा है और आप कहते हैं कि मैं यहाँ शादी में। नहीं नहीं, मैं यहाँ नहीं रहूंगी। बेटा अस्पताल में पड़ा है लेकिन अपनी ही करतूत से। अपनी ही करतूत? क्या किया है उसने? एक छोटी सी गलती तो की। ये छोटी सी गलती नहीं है। हाँ हाँ, जैसे कि मुझे बिजनेस की बातें समझ में ही नहीं आती। आप दावे के साथ कह सकते हैं कि जवानी में आपसे कभी कोई भूल ही नहीं हुई? हाँ, याद है आपको वो दिन जब आपने आचार का धंधा शुरू किया था और दूसरे दिन आचार खाने से सारे मोहल्ले में। बस बस बस, वो माणिक भाई की गलती की वजह से। गलती किसकी थी और किसकी नहीं, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है? लेकिन ऐसे सेटबैक्स में मैं कभी हारा नहीं था। हार के चंद लम्हों के बाद मैं अपने आप को संभाल लेता था, ना कि सनत की तरह आंसू बहाता था मैं। लेकिन सनत आंसू क्यों बह रहा है? क्यों? उसका स्वभाव ही ऐसा है, क्या करूं? नहीं, उसके आंसू बहाने की वजह है आप। क्या? और नहीं तो क्या, कितनी सख्ती से पेश आते हैं आप उससे। अगर बार बार किसी को ये कहा जाए कि तुम गलत हो तो उसका तो आत्मविश्वास ही टूट जाता है। सनत के साथ भी यही हुआ है। जानते हैं आप, यही हुआ है। आपके डर से वो अपने फैसले करने की क्षमता ही खो बैठा है। देखो अनसुया, तुम अपने बेटे की गलतियों को पनाह दे सकती हो लेकिन मैं नहीं। और मैं क्यों डरता हूँ बच्चों को? सिर्फ इसीलिए कि मेरे बाद मेरे बच्चे गरीब गाय की तरह न जिए। मैं उन्हें शेर बनाना चाहता हूँ, निडर, जो किसी भी हालत में अपना मकाम बना सके। कुछ नहीं सुनना चाहती। आप लाख कहें, मैं यहाँ अपने बेटे के बगैर नहीं रह सकती। मैं आ रही हूँ बम्बई। अगर सनत की तबीयत अच्छी हुई तो मैं वापस दूसरी फ्लाइट से आ जाऊंगी। देखो, इतनी झंझट करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं सच कहता हूँ अनसुया, मैं आ रही हूँ। तो ठीक है, जो जी में आया करो। हेलो हेलो, बड़ी माँ आपका खाना। हाँ, ये हर रख दो। पन्ना जी, चिल्लाती क्यों है? हम दोनों एक ही कमरे में हैं, चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं। जी कि जी जी क्या लगा था है? बैठ यहाँ, बैठ। देख बहू, यो हिम्मत नहीं हारना। सरद ने जो किया वो ठीक नहीं किया, लेकिन उसे संभाल लेना तुम्हारी जिम्मेदारी है। नहीं, यू रोने से काम नहीं चलेगा। तेरी सास हर बात पे रोने लगती है, वो अपने मायके से कुछ सीख के ही नहीं आई है। पर तू तो हिम्मत वाली है, तूने हर मुसीबत का हिम्मत से सामना किया है। लेकिन बड़ी माँ, अब मैं थक गई हूं। नहीं, लेकिन थकने से काम नहीं चलेगा। घर की औरतों को थकना नहीं चाहिए। वो जब थक जाती है और हार जाती है तो संसार की नैया डूब जाती है। तुझे तो हालात के थपेड़ों के साथ जूझना होगा। तो क्या किनारा कभी नहीं आएगा? तुम्हारा किनारा तो बहुत दूर है। मेरी जीवन नहीं आप किनारे पे आ खड़ी है। तुम्हें तो अभी भवसागर पार करना है। लेकिन सागर में घोंसला तो नहीं बनाया जा सकता ना? लेकिन कश्ती तो बांधी जा सकती है और उसी के सहारे बहते रहना है तुम दोनों को संसार में। कश्ती में सवार एक मुसाफिर अगर हार मान ले तो दूसरा कब तक ढो पाएगा? जीवन की नैया को ढोना नहीं पड़ता पन्ना। जीवन सागर की लहरों में वो अपने आप बहती चली जाती है। उसे तो बस उसमें सवार दो माझी के साथ की जरूरत पड़ती है। और तू तो एक लहर से डर गई। अरे मुझे देख, कितने दुखों को अब तक झेल चुकी हूं मैं, तब भी नहीं हारी, थकी नहीं हूं। लेकिन बड़ी माँ, मैं तो आप नहीं ना,
यही तो मुसीबत है, नहीं तो तू ये बोतल, ये नींद की गोलियों की भरी हुई बोतल यूं रखती के सामने पड़ी पाकर आदमी मरने का फैसला करे जी। और नहीं तो क्या, तेरी सास की कुछ कमकली तुझमें भी आ गई है। मैं पूछती हूँ कि ये गोलियां आई कहां से जी? वो क्या, ऐसी गोलियों की इस घर में जरूरत क्या है? कौन लाया ये जी? मैं ही लाई थी। क्यों? कभी कभी नींद नहीं आती, बुरे बुरे सपने आते रहते हैं, तो आसान तरीका ले आई जो आसानी से किसी के मरने का कारण हो जाए। नहीं बड़ी माँ, बड़ी माँ के चूल्हे में कोई मेरी सुनता है यहाँ? अरे मैं कहती हूँ रात को गीता पढ़ा करो, भगवान का नाम लिया करो, नींद आ जाएगी, बुरे बुरे सपने भी नहीं आएंगे। पर नहीं, मैं जो बोलती हूँ तो बकवास है ना। कभी कभी वो थक जाते थे तो एक हाथ गोली ले लेते थे, लेकिन इस तरह ओवरडोज लेकर। अच्छा अच्छा, अब रो मत, सब ठीक हो जाएगा। सनत को हौसला दे, उसे हिम्मत की जरूरत है। वो अभी सो रहे हैं, तो उसे आराम करने दे। सब लोगों ने परेशान करके रखा है उसे। मुझे उस पर गुस्सा तो इसलिए आता है कि मेरा पोता होकर इतना ना हिम्मत कैसे हो गया। आत्महत्या तो कायरों का काम है, कथा कहीं का। क्या इसमें हंसने की क्या बात है, है? बड़ी माँ, आपके मुंह से गाली बड़ी अच्छी लगती है। गालियां तुझे भी पड़ेगी अगर अब के ध्यान नहीं रखा तो। हाँ जी बड़ी माँ। हाँ यही मुस्कुराती रहो, इस घर में तो लोग ऐसे रहते हैं जैसे हंसने मुस्कुराने से पाप लग जाता है, सबके मुंह सूझे हुए रहते हैं। भगवान जाने किसकी नजर लग गई है मेरे घर। नहीं बड़ी माँ, सब ठीक हो जाएगा। ये लो सुनो, अब मैं तुझे समझा रही हूँ तो वही तो मुझे समझा रही है कि सब ठीक हो जाएगा। लेकिन पन्ना, आज के बाद ऐसी दवाइयां इस घर के चौखट में नहीं आएंगी। जी बड़ी माँ, मैं ख्याल रखूंगी, ऐसा कभी नहीं होगा। हाँ, और मेरे सनत को ना हिम्मत मत होने देना, मैं हमेशा उनके साथ रहूंगी। वो कभी अकेलापन महसूस नहीं करेंगे, ना ही दोबारा ऐसा कुछ होगा। हाँ, गलती से नहीं मामा, गलती से नहीं, उन्होंने जानबूझकर गोलियों का ओवरडोज लिया है। क्या? हाँ, उन्होंने सुसाइड करने की कोशिश की है। वो कोई बेवकूफ नहीं है जो गलती से ओवरडोज ले ले। नहीं नहीं, डॉक्टर ने भी कंफर्म किया है। सनत भाई के पेट में से 12 टैबलेट्स मिली, 12। दिस टू मच, टू मच। खुद को कसूरवार समझकर होने वाली घुटन मैं समझ सकता हूँ राजू, लेकिन खुदकुशी की कोशिश, टू मच। नफरत है मुझे ऐसे डरपोक से। मामा जी, पर सनत भाई तो बेचारे। तरफदारी मत करो तुम उसकी। मैं तो ये कहने जा रहा था कि बेचारे सनत भाई को पता ही नहीं होगा कि 12 टेबलेट लेने से कुछ नहीं होगा। मतलब उनको लगा होगा कि बस नींद की गोलियां लेकर सो जाते हैं, फिर ना जिंदगी में कभी उठने की झंझट, ना आपकी किसी बात सुनने की झंझट। हर समस्या का आसान हल। क्या बकवास कर रहे हो राजू? मैं तो आपके मन की बात कह रहा हूं। तुम क्या मुझे इतने कठोर समझते हो कि मैं अपने बेटे की मौत के बारे में सोचूं? जताना तो यही चाहते हो। वो इसलिए कि दोबारा गलती ना करे। तो मामा जी, गलतियां तो हर किसी से होती है, और फिर मैं गलतियों के खिलाफ नहीं हूं राजू, केयरलेसनेस के खिलाफ। मुझे बर्दाश्त नहीं होता कि कोई इस हद तक केयरलेस रहे। और आप उन पर बरस पड़ते हैं, लेफ्ट राइट एंड सेंटर। ऑफ कोर्स। पर आज अगर आपके इस स्वभाव की वजह से आप अपना बेटा खो देते तो, सनम भाई को सचमुच कुछ हो जाता तो, अगर वक्त पर उनको हॉस्पिटल नहीं पहुंचाते तो। वो सब ठीक है राजू, लेकिन सनत ने जो कुछ भी किया मैं उसे दिल से माफ नहीं कर सकता। मैं मानता हूं कि मुझे सिचुएशन अलग तरीके से हैंडल करनी चाहिए थी, लेकिन मैं सनत को मदद करूंगा, जरूर करूंगा, लेकिन अपने तरीके से। मैं जानती हूं बेटा कि तुम बहुत भावुक हो, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम नींद की गोलियां ले लो।
काम का इतना प्रेशर रहता था माँ की नींद नहीं आती थी, उल्लू की तरह जागता रहता था रात भर, ऐसा लगता था कि घड़ी की सुइयां धीमे चल रही है, और मेरी इस आदत की वजह से पन्ना भी रात भर जागती रहती थी। वो बिचारी और क्या करती। इसलिए मैंने सोचा माँ कि पन्ना मेरी वजह से क्यों रात भर जागती रहे, और मैंने उस रात नींद की गोली ले ली। और तुम सो गए है ना? हाँ, लेकिन कुछ दिनों के बाद गोली लेने के बावजूद भी सो ना सका मां। इसलिए तुमने इतनी सारी गोलियां ले ली बेटा? हाँ मां, ऐसा ही कुछ हुआ। हाँ ऐसा ही कुछ हुआ था। अब अच्छा खासा मुस्कुरा रहा है, और उस दिन तो सबकी मुस्कुराहटें गायब कर दी थी तुमने। I'm sorry, मां। हाँ, सिर्फ सॉरी कहने से नहीं चलेगा, तुम्हें वादा करना होगा और फिर कभी नींद की गोलियां नहीं लोगे। नहीं लूंगा। बेटा बेटा नींद लाने के बहुत सारे तरीके हैं। पन्ना से कह देना वो रात को सोने से पहले तेरे बालों में तेल अच्छी तरह डालकर मालिश कर दे। नहीं नहीं रहने दे, मैं ही कर दूंगी, फिर देखना कैसी गहरी नींद आती है। और बेटा उससे भी अगर बात ना बने ना, तो आंखें बंद करके लेट जाना, फिर उल्टी गिनती करना, जैसे 100, 99, 98, ऐसे 1 तक, पता भी नहीं चलेगा कब नींद आ गई। ठीक है माँ। और अगर इससे भी बात ना बने ना, तो बेटा बेटा टीवी देखना। क्या माँ तुम भी? हाँ बेटा, लेकिन फिर कभी जिंदगी में ये नींद की गोलियां मत लेना, ये एक नशा है बेटा, नशा। जानता हूँ माँ, लेकिन क्या करूँ, आदत पड़ गई थी। तो ऐसी आदत छोड़ दे बेटा, देखा ना तेरी एक आदत से सबको कितनी परेशानी उठानी पड़ी, मुझे शादी छोड़कर पहली फ्लाइट से यहाँ आना पड़ा। माँ ये तो मेरा प्लान था। प्लान? हाँ माँ, बहुत दिनों से तुम्हें देखा नहीं था, शादी में ऐसे खो गई थी कि हमारी याद तक नहीं आती थी, इसलिए मैंने ऐसा किया। अगर मेरी ये हालत नहीं हुई होती तो क्या दौड़ के तुम इतनी जल्दी आ जाती घर? दत्त तू भी बातें बनाने लगा है राजू की तरह। हाँ बातें ही बनाता हूँ, काम तो कुछ किया नहीं है। नहीं बेटा ऐसा नहीं कहते, तूने तो ऐसा काम किया है जो कोई भी नहीं कर सकता बेटा, कोई भी नहीं कर सकता। 3 महीने के अंदर अंदर अस्पताल बांध कर तूने जिस लगन और ताकत से शुरू कर दी, वो कोई मामूली बात नहीं है बेटा। ऐसा माँ तुम कह रही हो? नहीं बेटा, ये मैं नहीं तेरे बाबूजी कह रहे थे। क्या? हाँ माँ, सिर्फ एक बार, सिर्फ एक बार बाबूजी ये बात मुझे खुद आके कहते तो मुसीबतों का जितना भी बड़ा पहाड़ हो उसे तोड़ के मैं आगे चला जाता। उनके मुंह से तारीफ सुनने के लिए मैं हमेशा तरसता रहता हूं, लेकिन ऐसा मौका कभी नहीं मिलता। बेटा तेरे बाबूजी का स्वभाव ही ऐसा है, वो कहते हैं किसी की तारीफ उसके मुंह पर नहीं करनी चाहिए। वैसे वो तुम्हारी, तुम्हारे काम की, तुम्हारी लगन की बहुत कद्र करते हैं बेटा, बहुत कद्र करते हैं, लेकिन लेकिन बोल नहीं पाते। बेटा सच कह रही हूं मैं, सच कह रही हूं। उस दिन जब वो फोन पे तुम्हारे बारे में मुझसे बात कर रहे थे, कांपती आवाज में, उनसे हजारों मील दूर होने के बावजूद मैं महसूस कर रही थी वो तूफान जो उनके दिल में मच रहा था। बेटा बेटा वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं बेटा, बहुत प्यार करते हैं। उस दिन अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो वो ये सदमा नहीं झेल पाते, और मैं, मेरे बारे में कुछ नहीं सोचा तुमने बेटा, कुछ नहीं सोचा। मैं अपना बेटा खोना नहीं चाहती, कम से कम मेरे जीते जी नहीं, मेरे मरने के बाद जो जी में आए वो कर लेना बेटा, जो जी में आए कर लेना। I'm sorry माँ, मेरी भूल हो गई, और मेरा विश्वास करो,
मैंने वो ओवरडोज जानबूझकर नहीं, गलती से ले लिया था, मेरा विश्वास करो।